हेलो एवरीवन, बाल विकास में हम मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने इससे पहले ही वीडियो में शैशवावस्था के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ी थी और उनकी विशेषताएं पढ़ी थी, क्या होता है फुल हमने डिटेल पढ़ा था। आज हम इसी तरह से बाल्यावस्था जो इसकी सेकेंड स्टेज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है कि शैशवावस्था के बाद 6 से 12 साल तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको याद रखने की जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए होती है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था एक जटिल अवस्था होती है। अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा के लिए इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, जो बाल्यावस्था है उसको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन होते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति वो बहुत अलग अलग प्रकार से बदलती है, शारीरिक स्थिति बहुत अलग प्रकार से बदलती है, समाज में रहने की हमारी जो स्थिति है वो बदलती है, नैतिक परिवर्तन बदलती है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक ने इसकी सुविधा के लिए कि अच्छे से हम बाल्यावस्था को पढ़ सकें कि वो है क्या, उसे दो अवस्था में बांट दिया। पहली है पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेकर 9 साल तक। तो 6 से लेकर 9 साल तक पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल में कि 9 से 12 साल में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये हमारी सुविधा के लिए इन्होंने हमें बताया है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार। कि जो बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विकास जो है वो अलग अलग तरह से परिवर्तित होता है, इसलिए इसे विकास का अनोखा काल कहते हैं। इसी अवस्था से बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। जो बच्चा होता है स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसी एज में वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय आयु, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो नर्सरी स्कूल्स हैं, केजी है, वो इसमें जाना स्टार्ट कर देता है 6 साल की उम्र में। इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहते हैं और इसे गंदी अवस्था यानी डर्टी एज भी कहते हैं। तो स्फूर्ति अवस्था क्यों कहती है, क्योंकि बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना कि वो, आपने देखा होगा कि 5 से 6 साल का जो 7 साल के बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें कोई भी काम वाम तो वैसे नहीं, लेकिन जो खेलना हो गया, बाहर के कोई भी काम हो गए, वो ऐसे करते हैं जैसे उनमें कितनी एनर्जी भरी हो। तो इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं क्योंकि वो स्मार्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ अगर आप उन्हें बताएंगे, एकदम से वो चीज़ के बारे में उन्हें पता होगा, वो जानेंगे और उसे एकदम से सॉल्व भी करना चाहेंगे। तो बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। गंदे अवस्था इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे इतना खेलते हैं, बार बार क्या होता है गंदे हो जाते हैं, उन्हें इस चीज़ का तो अनुभव नहीं होता कि हम जब खेल रहे हैं हम कपड़े गंदे कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है। तो इसे हम डर्टी एज भी कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप 100% श्योरिटी लगाइए। तो आप याद रखिए कि बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं क्योंकि बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, स्मार्ट एज, और इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, मीन्स डर्टी एज। आगे देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स है इसके बारे में। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है कि बाल्य विकास की जो विकासात्मक विशेषताएं होती है उसे देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, कि शारीरिक और मानसिक विकास में किस तरह से परिवर्तन होता है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों में दृढ़ता आती है, चंचलता समाप्त हो जाती है, बालक बड़ों या वयस्कों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए इस अवस्था को रॉस महोदय ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बालक है उनका जो मानसिक विकास है और जो उनका शारीरिक विकास है उसमें दृढ़ता आ जाती है। उनका जो मानसिक विकास हो रहा है वो पूरी तरीके से अच्छे से क्या होता है, अब
यूज़ में आने लगता है, क्योंकि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपने मानसिक विकास को दृढ़ बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनका शारीरिक विकास भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, चंचलता समाप्त हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, जन्म से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, वो बहुत चंचल होते हैं, इतनी शैतानी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वो बाल्यावस्था में आ जाता है, तो उसकी चंचलता, जो उसकी शरारतें, वो कुछ हद तक कम हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल ही चंचलता समाप्त कर देती हैं, लेकिन सभी केस में नहीं ऐसा कह सकते कि बिल्कुल ही बच्चे शैतानी करना बंद कर देते हैं। बच्चे शैतान तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो चंचलता पहले के अकॉर्डिंग कम हो जाती है बच्चों में। अब जो बालक हैं, वो बड़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो बड़ों से चीज़ सीखते हैं कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, तो वो इस एज में आके वो सीख जाते हैं और वो खुद भी उन्हीं अपने को बड़ा जैसा मानने लगती हैं। तो इसलिए रॉस हमारी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं, और कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसे बताया, तो रॉस ने इसे बताया, तो आप इसे ध्यान रखिए। इसके बाद आता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, कि बच्चे के अंदर जो मानसिक हमारे परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। शारीरिक तो हमने देख लिए, ठीक है। अब मानसिक योग्यताओं में सबसे पहले है जिज्ञासा में प्रबलता। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में जानना होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर हुआ है, और इसे कैसे करते हैं। इस तरह से बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनमें क्या होती है, जिज्ञासा में प्रबलता आने लगती है। वो क्वेश्चंस इस तरीके से करती हैं कि जो पर्टिकुलरली सही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछना शुरू कर देंगे, एक मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भर होने लगते हैं, अपने काम खुद करने लगते हैं। छोटे बच्चों को जैसे हमें कहीं जाना है तो उसे पूरा प्रॉपर रेडी भी करना होता है, खिलाना होता है, अगर उसे खाना खिलाना है तो वो खुद नहीं खा सकता, उसे आप खिलाएंगे। लेकिन इस एज में आके बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वो खुद से काम करना शुरू कर देते हैं, अपने छोटे छोटे काम, जैसे खाना खाना, वो खुद से सीख जाते हैं कि अच्छा खाना हमें ऐसे खाना है, जैसे स्कूल के लिए रेडी होना है, तो थोड़ा बहुत वो खुद से भी कर लेते हैं, तो आत्मनिर्भर होने लगते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि, कुछ क्रिएटिव करने लगती हैं, ठीक है। उनका माइंड ऐसा हो जाता है कि वो कुछ क्रिएटिव सीखते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि लड़के क्या करते हैं, अगर उनके पास टॉयज हैं, कार है, तो वो क्या करते हैं, उसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में जानती हैं, और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, किसी की बैटरी निकाल के, कहीं ना कहीं से मोटर निकाल के उसको ज्वाइन करके कुछ ना कुछ बना देती हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। गर्ल्स क्या होती है, गर्ल्स को ड्राइंग करना, इंडोर क्राफ्टिंग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ क्या करती हैं, क्रिएटिविटी करती रहती हैं। उसे कहते हैं हम रचनात्मक कार्यों में रुचि, कि हम क्रिएटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके जो गुण हैं कि हमें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबको हमें गुड मॉर्निंग या नमस्ते करनी चाहिए, तो इस तरीके से बच्चों में थोड़े से नैतिक कर्तव्य आने लगती हैं और वो सामाजिक और नैतिक गुणों को सीख जाती हैं। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो देखिए, सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब है कि बच्चे जो है वो समूह में रहना स्टार्ट करते हैं, ग्रुप बनाने लगती है। आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे अगर होंगे या फिर आप अपने कॉलोनी में लेकिन, तो बच्चों का एक ग्रुप होता है कि एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 3 बच्चे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप ग्रुप बनाने लगते हैं। तो अगर इस तरीके से भी आएगा कि समूह बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच रहते हैं, ग्रुप बना लेते हैं अपना अलग से, कि जो जो उन्हें अपने फ्रेंड्स पसंद है उनके साथ वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके से सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता आने लगती है। नेक्स्ट है इसमें संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह का मतलब होता है कलेक्ट करना, उन्हें चीज़ों को कलेक्ट करना अच्छा लगने लगता है। कोई हर किसी का देखिए अपना एक अलग ही शौक होता है। किसी को, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के या 5-5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं उनको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों को पेंसिल्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, कुछ इरेजर्स कलेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे करके हर बच्चे के शौक
अलग अलग होते हैं, कि सबको क्या करता है अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं और वो उन्हीं को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, उसमें यहाँ पे संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति जो होती है, इट मीन्स हम इसे अगर इंग्लिश में कहेंगे तो काम प्रवृत्ति को सेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसकी बहुत न्यूनता आती है। देखिए शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। काम प्रवृत्ति हम शैशवावस्था में इसलिए बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो माँ का दूध पीता है, तो इसलिए वहाँ पे कह देते हैं कि वो सेक्स की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या होता है, ग्लास से दूध पीना स्टार्ट कर देता है, वो अपने आप बॉटल से लेता है, तो यहाँ पर इसकी न्यूनता हो जाती है। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से मानसिक योग्यताओं के बारे में ध्यान रखना है। हमें सब पता होनी चाहिए कि कौन सी अवस्था में किस तरह की योग्यताएं बच्चों में होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। आप इसको पूरी तरीके से रट लेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप समझिए कि भाई जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो वो क्या क्या चीज़ें करने लगता है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में अगर लेके चलेंगे तो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे समझ सकते हो कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो फ्रेंड्स बनाएगा, तो ग्रुप बना लेगा, इट मीन समूह प्रवृत्ति होने लगेगी, ठीक है। आप थोड़ी चीज़ों को याद करके चलना है, जैसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो याद करने की है, लेकिन हर चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी होता है। तो ये हमने पढ़ी पूरी बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 तक की अवस्था, और इस अवस्था में शारीरिक हो गए, मानसिक परिवर्तन हो गए, सामाजिक परिवर्तन हो गए, नैतिक परिवर्तन, सब तरह के परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में। तो अब बाल्यावस्था कंप्लीट होती है, अगली वीडियो में किशोरावस्था के बारे में स्टार्ट करेंगे।